हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग जब आए थे भूरबन में तो सिर्फ बारिश हो रही थी और बाकी ग्रीनरी दिख रही थी, लेकिन नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और पूरी रात स्नोफॉल रही थी, जिससे अपनी गाड़ी पर भी बर्फ है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन वो वाला व्यू भी अच्छा था जिसमें ग्रीनरी थी, बारिश हो रही थी, और ये भी व्यू बहुत 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 अच्छा था। अच्छा, सबसे सुकून की बात ये है कि ना शोर नहीं था। आगे की वीडियोस की मैं वॉइस डाल दूंगी, बातों की आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन आप देखिएगा जब हम थे ना वहाँ, सिर्फ मेरे हमारी ही बातों की कल आवाज़ें तो आ रही बर्फ थी नहीं थी, और चारों तरफ पूरा बर्फ ही सुकून बर्फ, बर्फ ही माहौल, बर्फ, कोई बहुत दूर शोर दूर तक शराबा बर्फ। नहीं। हम तो ज़ाहिर शहर में रहते हैं, हर वक्त भूरबन चैं में चैं हमें पैं सुनते पैं हैं इधर उधर से, अभी भी मुर्गे की आवाज़ आपको आ रही होगी। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ या तो हवाओं की आवाज़ होती है, या जो अगर चरिंद परिंद होते हैं उनकी आवाज़ होती है। अच्छा, पर्सनल मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जब मैं पाकिस्तान टूर पर गई हूँ तो ज़्यादातर ऐसे मौसम में गई हूँ कि जब हर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और उस वक्त तक मेरा ये माइंड था कि यार बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ देखनी है, स्नोफॉल देखनी है, स्नोफॉल देखनी है। अब जब मैं स्नोफॉल में होकर आई हूँ, बर्फ़ चारों तरफ थी, तो वापस आने के बाद मुझे ये था कि नहीं यार, स्नोफॉल जो है ना वो आपको बॉन्ड कर देती है कि ज़्यादा हो जाती है, गाड़ियाँ फिसलने लगती हैं, खौफ आने लगता है यार गाड़ी ना फिसल जाए, और चारों तरफ सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी होती है और ठंड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर अगर नेक्स्ट ट्रिप पर जाऊंगी तो ऐसे मौसम में जाऊंगी जहाँ जब ये बर्फ़ ना हो, स्नोफॉल ना हो, क्योंकि बस मुझे एक था कि मुझे देखनी है बर्फ़ और स्नोफॉल देखनी है, तो वो बस देख लिया। लेकिन जो बात हरियाली की है ना, ग्रीनरी की जो बात है ना, ओ माय गॉड, वो जो व्यू आते हैं, वो जो पिक्चर्स उसमें आती हैं, और एक अंदर से जो सुकून आता है ना ग्रीनरी को देखकर, और इतने खूबसूरत कोई व्यू होते हैं हमारी मूवीज़, हमारे ड्रामास में भी यार ये लोकेशंस ली जाती हैं। तो बस यही मेरा है कि अगर लाइफ में आपने कभी स्नोफॉल नहीं देखी, बर्फ़ नहीं देखी, तो एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद नेक्स्ट टाइम आप टूर जो जाएँ तो वो सिर्फ ऐसे मौसम में जाएगा जब बर्फ़ ना हो। तो बस अब मैंने अपने नेक्स्ट प्लान यही किया है कि हम लोग जब जाएंगे तो बर्फ़ ना हो, हम आराम से टॉप तक जा सकें, अमरी के सवाद जा सकें और सारी ग्रीनरी देख सकें।